इतना पता है कि मैं लाइव परफॉर्मर हूँ, मुझे लाइव परफॉर्मेंस करने में अच्छा लगता है, एंड आई एम अ लाइव सिंगर। वो बात करते हैं जो दूसरे सुनना नहीं चाहते। मेरी बात सुने, मैंने अगर कोई तड़का लगाया भी होगा, मने दी मौज, प्रोडक्शन एंड इट्स सिंगिंग एंड एवरीथिंग इज नाइसली डन, के जिसमें असल वाले सिंगर को भी तकलीफ नहीं हुई सुनते हुए कि ये मेरे गाने के साथ क्या बेड़ा गर्क कर दिया। तो मेरे साथ बहुत सारी सेलिब्रिटीज खड़ी हैं जिन्होंने मेरी तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, और उसी आम इंसान को मैं आप तक लेके आऊँ। आई थिंक बाकी बातें शो में देखते हैं। बाकी बातें शो में देखें, बाकी बातें हम अपने शो में पूछेंगे आपसे। अच्छा, ये क्या लॉज है जी आपकी जिंदगी गुजारने के? खावर इन लॉ? हाँ, पता नहीं, मॉन्स्टर इन लॉ तो नहीं इसका मतलब है। Honestly speaking, मुझे खुद नहीं पता, ये असल में ATV का आप लोगों का जो है ना कारनामा है कि उन्होंने ये नाम रखा, वरना मैं कुछ और रखना चाहता। अच्छा, हमारे यहाँ हम कहते हैं बच्चा कहीं से भी आज नाम हम रखेंगे। Exactly. ये करते हैं। अच्छा, but I think it's मैंने अपने आप को कम्प्लीटली उनके हवाले कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं करना चाहता हूँ और मैं करूँगा ये प्रोग्राम। अच्छा। और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अच्छा, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। I'm in a very naughty mood today. आपने कहा कि मैंने अपने आप को A+ के हवाले कर दिया। हाँ, और किस किस के हवाले? नहीं, मैं बताऊँ, असल मेरे पीछे बहुत चैनल्स पड़े हुए थे। अच्छा, honestly speaking, I can imagine, of course. और वो कहते थे मैं कोई ये प्रोग्राम करूँ, वो करूँ, मुझे क्लिक नहीं कर रहा था वो आइडिया। तो एक दफा बिलाल से मेरी मुलाकात हुई, जो आपके यहाँ प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने वो उससे मेरी दोस्ती भी, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा जो एकदम तो सवाल कर जाते हो, दूसरा एकदम यूं हो जाता कि ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, और ये तुम्हारे अंदर ही कोई चीज है, तो हम इसको ना और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो मैंने उसके बारे में सोचा सोचा सोचा, फिर एक दिन उसने कहा बस कल रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। और दिस क्विक। हाँ, फिर उसने वसीम को मेरे पास भेजा। ठीक, वसीम उसको कंडक्ट कर रहा सारा। सही। और फिर इस तरह से ये प्रोग्राम जो है पूरा मेरे घर के अंदर। अच्छा। वसीम कितना एक्साइटेड होता है ना। हाँ। आगे देखो इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ। देखो इसको ऐसे कर लेते हैं। बट ही इज वेरी गुड। हाँ, तो और वसीम ने फिर इन लोगों का ये आइडिया था कि मेरे घर में जैसे कोई गेस्ट आता है और फिर मैं उसको एंटरटेन करता हूँ, फिर उसी दौरान सवाल जवाब, वो मुझसे भी सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो बड़ा इनकरेजिंग है। अभी मुझे अभी जो हदीका का चला है, आप यकीन करें कि मुझे उसकी वालदा का फोन आया और वो मुझसे बड़ा प्यार करती, और उन्होंने मुझे लिटरली इतने प्यार से कहा कि खावर इतना अच्छा हदीका को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया जितना तुमने किया, और तुमने उस इंसान का जिक्र किया जिसका कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। मतलब मैं वो औरत हूँ जिसने, जब ये 3 साल की थी, इसके वालिद चले गए दुनिया से, और मैंने जिस तरह स्ट्रगल करके अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, और तुमने उसको इतना अच्छा जस्टिफाई किया, तो वो मुझे आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात थी, क्योंकि किसी ने किस तरह, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। वरना आप यही पूछते ना, अच्छा जी आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपके फेवरेट कौन है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब चीजें हो रही होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, और हर दफा ऐसा ही होता है ना। तो अगर आप डिफरेंट साइड से, डिफरेंट एंगल से लेकर आए लोगों को, ताकि लोग भी इंस्पायर हों और उनसे उनकी बहुत सी अच्छी बातें होती हैं, उसे सीखें। सही, मतलब असल चीज स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल है, बिल्कुल सही। और बड़ा मजा आता है रियल लोगों से मुलाकात करने के बाद। एक और कॉल है जी हमारे पास, हमारी एक सहेली है सीमा आजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रूज? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? क्या जनाब, बिजली बंद, सुबह सिर्फ आपका चेहरा एक दफा देखा, खुशी हो गई, चले देख लिया। चले, हाँ जी, बस बिजली का तो ना पूछें। खावर रियाज हमारे साथ है। रियाज से मैं यही कहना चाहती हूँ सुनने वालों को भी, खावर साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इतने नेचुरल और इतने मतलब एनर्जेटिक, ये इनमें क्वालिटी ये भी थी, ये हमें नहीं पता था। तो मैं सबसे ये कहूँगी 2 मिनट रुकिए, और जिस तरह A+ के सारे डिसेंट प्रोग्राम है, अनोखी हो गया यार, इतना अच्छा ड्रामा है अनोखी, मैं तो मेरे बच्चे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है जब उनको पता होता है आज फ्राइडे है, आज थर्सडे, आज नहीं बोलना, आज मामा को नहीं तंग करना। हाँ, तो खावर रियाज साहब का भी प्रोग्राम 1 मिनट रुक के जरा देखिए आगे काम A+ का, हमने आपको कैसे रोकना है, बस ठीक है। और बिजली के हवाले से मैं ये कहूंगी, जो कौमें अपने फराइज नहीं ना अदा करती सही तरीके से, उनके हकूक उनको नहीं मिलते। हम लोगों ने चॉइस में गलती कर दी है हमेशा की तरह। हम लोग क्यों नहीं वोट सोच के देते, हम लोग क्यों नहीं बैकग्राउंड देखते? ये लोग वो हैं जिनके लिए पाकिस्तान एक फैक्ट्री है,
कि डेली वेजिस पे हमें क्या मुनाफा इधर से आ रहा है पाकिस्तान से, उन लोगों के लिए सिर्फ फैक्ट्री है, ऐसे उन लोगों के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं। हम खुद बचाएं अपने पाकिस्तान को और काइंडली सब लोग करें जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपनी चीजें थोड़े थोड़े ना, लोगों के ट्रक जला रहे हैं, गाड़ियां कितना नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों की जमा पूंजी ये है। बहुत अच्छी बात कह रही है, बिल्कुल सही है। नहीं जाके कुछ करना तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके करें, बिल्कुल सही। उनके पास जाए, उनसे कहें जी छोड़ें हुकूमत को, प्लीज छोड़ दें, वहाँ जाके धरना डालें सब लोग। हाँ धरना डालें, बिल्कुल पीसफुल धरना डालें। और वैसे ये भी मैं बता दूं, हुकूमत इसीलिए सब कुछ एंड कर रही है, ये बिल पूरे पूरे महीने के हमारे खा गए हैं, 100 अरब रुपया ये खा गए हैं एक महीने में। बिल्कुल सही जी, ये आवाम की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया सीमा जी कॉल करने का, मगर ये आवाम की आवाज़ है। नहीं पर जैसी आवाम वैसा हुक्मरान, वो उन्होंने ये तो कहा कि जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। और कसूर हमारा अपना, एक दो चार दिन पहले मैं भी जिक्र कर रही थी, सुना होगा आपने, मैं किसी के पास गई, उन्होंने कहा जी ना हम देते हैं और ना देंगे वोट, तो दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड ना, आपको देना है एंड यू हैव टू चूज। लेकिन आपको ये भी नहीं पता ना कि आपका वोट सही जगह पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा। वैसे हु डू यू थिंक इज द होप फॉर दिस कंट्री? आई थिंक बीच में से कोई एकदम निकले तो निकले। बीच में से कहाँ से नहीं हो सकता, हमारे मुल्क को कोई मॉडल्स में नहीं, से निकला हमारे मुल्क को ना आई थिंक डेमोक्रेसी सूट नहीं करती, ये डंडे वाली कौम है। जब डंडा चलता है सही रहते हैं, मार्शाला बेहतर रहता है हमारे मुल्क। जब भी मैं ना किसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि वो जो दौर आता है ना उसमें फिर भी कौम को एक डायरेक्शन मिलती है, और ये जो भत्ता सिस्टम है और ये जो चोर बाजारियाँ हैं किसी हद तक बंद हो जाती है, और कोई ना कोई तरक्की नजर आने लग जाती है। आप पिछला दौर देख लें, अब वही वो कह के गया था ना कि मैं जाता रहा हूँ फिर देख पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। मतलब मैं किसी के फेवर में नहीं, लेकिन कंपैरिजन करें आप, कंपैरिजन तो करना पड़ता है इंसानी आंख जैसे। लेकिन हमारी क्योंकि हम एक कौम नहीं है, हम बहुत सारे लोगों का एक हजूम है जिसमें मुख्तलिफ कौमें हैं और उनकी अपनी अपनी एक कल्चर है, सोच है, और वो हर कोई अपने तरीके से चलना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज खत्म होने की जरूरत है कि एक झंडे के नीचे खड़े हो जाए। यूनाइटेड नहीं है। अभी जो कुछ क्वेटा में हो रहा है वो भी आपको पता है क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई देख रहे हैं और हर चीज। अच्छा खावर आपकी तरफ थोड़ा आते हैं, मुझे बताएं कि हम भी एक सेंसिटिव लोग हैं। अब हमसे ज्यादा कोई सेंसिटिव हो ही नहीं, हमसे मेरा मतलब आपसे ज्यादा सेंसिटिव कोई हो ही नहीं सकता। खावर रियाज बनता है या बहुत मेहनत के बाद मतलब बनता है या होता है? नहीं खावर रियाज कहते हैं कि लाखों में एक होता है जो बन जाता है, और वो फिर उसके बाद उसको रास्ता मिलता है, फिर वो मेहनत करता है, और वो फिर एक बंजर जमीन भी नज़र आती है तो उसमें ही पौधे उगा देते हैं। तो ये वाली हिम्मत हर एक में होनी चाहिए। और मैं फिर बार बार ये कहूँ कि अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखें कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ से खुश हैं। जिस चीज़ से आपका दिल खुश हो, मतलब दूसरे की दिल आदारी ना हो रही हो, तो वो काम आप करें और आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे, वो बन जाएंगे जो शायद आज हम बन गए, आप बन गए, या जो भी आप बनना चाहते हैं, चाहे वो कोई बहुत ही लो लेवल का काम हो, चाहे मोची बनना चाहते हो, चाहे वो जैसे वो पेंटर बैठा हो, जो भी आपको चीज खुशी देती है, खुशी देती है, और आप जब वो चीज करने लग जाएंगे तो आप यकीन करें बाकी चीजें खुद खुद आपके पीछे आ जाएंगी। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको आप एक हॉके वाली जिंदगी गुजारेंगे, हसरतें करेंगे और फजूल के ड्रीम देखना शुरू कर देंगे जो हमारी इस कौम का मसला बन गया। वाली जिंदगी क्या होती है, मतलब खाम खा हसरत करना, ये मेरे पास है, नहीं है, उसके पास क्यों है। लेकिन अच्छा मैं बताऊं, माशाल्लाह आपके पास सब कुछ होने के बावजूद मैं आपकी जब लिविंग देखती हूं और आपका स्टाइल देखती हूं, यू लिव सिंपल, यू वेयर सिंपल क्लोथ्स, मेंटली तौर पे आप बहुत एक सिंपल इंसान है। अच्छा एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है ना खावर के बारे में, जिस वक्त आप इसको फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो आई एम सॉरी मुझे कहने दो कि आप इतना वो खास पसंद नहीं करते खावर को, मगर जैसे जैसे आप इसको इस शख्स को जानना शुरू कर देते हैं, ही इज सच एन अडोरेबल ह्यूमन बींग एंड सच ए नाइस, एक बच्चा है, या तो मोहब्बत बढ़ती है या फिर नफरत बढ़ती है, दो चीजें होती है ना, एक्सट्रीम है या मोहब्बत करने बीच वाली चीज नहीं है ये, क्यों? लेकिन कई लोगों को मेरी वो साइड पसंद नहीं आती सही। जो मेरा बात करने का स्टाइल, अब मैं थोड़ा सा हो गया हूँ हम्बल, मेरी कोशिश होती है कि किसका दिल ना दुखे। फर्ज करें कोई नाराज होकर जा भी रहा तो मैं यूं यकीन करें नंगे पांव उसके पीछे भाग पड़ता हूँ और कैसे सॉरी करना शुरू कर देता हूँ, सुनो प्लीज अपना दिल ना खराब करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तो अब मैं थोड़ा सा हो गया हूँ इस तरह का और करना पड़ता है। कभी आपका दिल किसी ने दुखाया अपनी ब्लंटनेस या अपने किसी रवैये से? नहीं, वो मेरे लिए एक सबक होता है हमेशा। अच्छा, लेकिन दुखा तो होगा आई एम श्योर? नहीं अब नहीं दुखता। दुखा तो होगा, पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, अब की थोड़ी कर रही। नहीं अगर दुखा होता तो शायद मैं एक जगह रुक चुका ऐसी भी नहीं, दुखा तो है ये तो मुझे पता है, मगर अब वो नहीं, वैसे दुखना भी चाहिए ना, तो दुखना चाहिए। हाँ। जब तक आप दुखे नहीं तब तक आप बनी नहीं लेकिन सकते। लेकिन वो फेस थोड़ी देर के रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली, तो और क्या,
जिंदगी आगे बढ़ती है, जिंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अच्छा खबर ऐसा हुआ है कि कभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह जौहरी होते हैं ना, जो आप नए नए आपके कभी डायमंड आ गया, कभी सॉलिटेयर आ गया, जो मुख्तलिफ आपके मॉडल्स होते हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है किसी हीरे को तराशने के बाद आपने कहा दराड़ आ रही हो उसमें, आपने कहा है इसको क्यों मैंने तराशा। एक इंटरव्यू में मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं एक मॉडल आया, दूसरा आया, कितनी पर्सनैलिटी मैंने बनाई, स्टार बनाई, उन्हें सबको हटाते जाए तो आखिर में पता चला वो मैं खड़ा था, वो असल में वो नहीं थे। तो बाद में पता चला वो असल में मुझे अपने आप को तराशना चाहिए था, वो सब कुछ जो मैंने एक स्टेज प्ले क्रिएट किया उसमें कैरेक्टर डाले, वो सारी कहानी मेरे ऊपर घूम रही थी। क्या बात, तो उसी कहानी को लेकर फिर मैं इस प्रोग्राम में हाजिर हो गया। अच्छा, और इतनी खूबसूरत, इनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, इतनी खूबसूरत उन्होंने बात कही कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत सिंपल हूँ, देखने में बहुत सिंपल है और दिल में भी बड़े सिंपल है, मगर जितने आपके जितने इनके मॉडल्स होते हैं वो इन्हीं की एक्सटेंशन है। सो वो कितना ग्लैमराइज एक्सटेंशन है, सिंपल जो कान है उधर से, जो आपके दिमाग में जो आप कुछ विजन में जो आप फैशन सोचते हैं कई दफा आप उनके थ्रू आप दिखाते हैं, तो ये जरूरी होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर कॉल वी हैव आसिफ साहब हैं जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। बिल्कुल ठीक, आप मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं आप ठीक ठाक हैं? ठीक है, हम आसिफ साहब, आप क्या काम हो गया था जो काम आपको? जी बिल्कुल हो गया था। अच्छा जी, आई टेस्ट वो मैंने हो गया था। अच्छा वेरी गुड, क्या कहेंगे खावर रियाज आज हमारे साथ हैं? वो मैं इनका इनसे एक बात इनकी देख रहा हूँ कि ही इज वेरी सिंपल, और जितनी डेप्थ इनके काम के अंदर है और जितनी सिंपलिसिटी इनके फेस पे है, और वो जेन्युइन आदमी नजर आ रहे हैं। सही, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंटली चीजें भी कह जाते हैं। तो अभी बल्कि मैंने इनका प्रोग्राम देखा नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली सी, जिस तरह लोग अभी आपके प्रोग्राम में काफी तारीफ भी कर रहे हैं। डू वॉच इट, इट्स वर्थ वॉचिंग शो सीरियसली। और दूसरा कुछ ये बिजली वगैरह का कोई जिक्र हो रहा है, मैं भी सोच रहा था बिजली के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे बिजली पे, जनरेटर पे शो देख रहे हैं आज आप हमारा? जी मेरे घर में जनरेटर ही चल रहा है। हाँ। और मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा जनरेटर चल रहा तो बिल ज्यादा आ रहे होते हैं। यार वो बात ये है कि पहले से बिल भी ज्यादा आता है, 8-10 घंटे लाइट भी जाती है, ऊपर से 18-20 हजार रूपए का डीजल भी खर्च करते हैं, पानी भी अपना मिनरल वाटर ले रहे हैं, नहा भी आजकल चंद एक लोग जो हैं वो नहा भी मिनरल वाटर से रहे हैं, सब कुछ अपनी चीज गवर्नमेंट बढ़ते हैं। और पहले सबसे जिंदगी आई ओनली वन जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉयल रहा कि इस मुल्क से कहीं नहीं जाना है, कोई और, मगर अब मुझे कई दफा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि शायद हमारे मुल्क के साथ अल्लाह ताला बचाने वाला है, रहम करने वाला है, कि क्या ये लोग हुक्मरान जो हैं, ये ऊपर वाले ऐसे लोग हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे, जिनकी कोई वफादारी नहीं यहाँ पे, मरने के लिए पूरे वक्त के लिए हम और आप यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ये सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। आई एग्री विद यू, मगर मेरा ख्याल है इस दफा आसिफ साहब, पता नहीं आप वोट देते हैं कि नहीं देते, मगर इस दफा हमारी कोशिश ये है कि जब भी हम जो भी वोट डालें इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि वो सही जगह पे जाएगा, बिकॉज यू हैव टू थिंक वेरी पॉजिटिव, मगर एटलीस्ट वोट जरूर दें और सोच समझ के दें। मेरा ख्याल है पूरी कौम को वोटों का बायकॉट कर देना चाहिए। अच्छा जी, दे ही ना बिल्कुल ना, ताकि अपनी मर्जी के दिलवाए। लोग कहते हैं कि इमरान खान एक होप है, तो मैं ये पूछता हूँ कि सियासत में आने की क्या जरूरत थी, वो उसके बगैर इतना सब कुछ कर रहा था, लोग उसको फंड भी देते हैं सब कुछ, सियासत में आके अपने गंदा क्यों कर रहे हैं, वैसे उठे हम उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो तो ठीक है, लेबल क्यों लगाना है, मतलब एज अ पॉलिटिशियन ठीक है, बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इफ यू वांट टू चेंज। नहीं, उस सिस्टम इतना गड़बड़ है कि उसके अगर वो बंदा सही है तो उसके पीछे जो उसके साथी हैं बहुत लोग वो उसको खराब कर देंगे। चलें हम आपकी करवाते हैं मीटिंग उनसे भी, मैं करूंगा उनसे भी मीटिंग, करते हैं मीटिंग बिल्कुल जी। रुकना यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक सरप्राइज गेस्ट हमारे साथ हैं जो कि इनके शो में भी सरप्राइजेस आपको बहुत सारे देने वाले हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें होंगी आफ्टर द ब्रेक।